आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। खबर मध्य प्रदेश उमरिया जिले के बीर सिंहपुर पाली की है, जहां जोहिला कॉलरी क्षेत्र के द्वारा अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा था। इसका समापन 17 अप्रैल को हुआ। फाइनल मैच जोहिला और गेवरा की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें जोहिला ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 133 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए गेवरा ने 2 विकेट शेष रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। गेवरा की टीम ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए विनीत पटेल ने 64 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को विजयी बनाया और इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उप विजेता टीम के खिलाड़ी रामकुमार प्रजापति को मैन ऑफ द सीरीज, दिलीप झा को बेस्ट बॉलर, शुभम खरे को बेस्ट फील्डर, अंकित सावरकर को बेस्ट बैट्समैन चुना गया। प्रतियोगिता में 16 टीम ने भाग लिया था, जिसमें जोहिला, गेवरा, CWS, दीपिका, सोहागपुर, विश्रामपुर, हसदेव, CWS, कोरबा, रायगढ़, बैकुंठपुर, भटगांव, चिरमिरी, कुंसमुंडा, बिलासपुर, जमुना, कोतमा के क्षेत्रों से टीमें सम्मिलित हुई थी। प्रतियोगिता का शुभारंभ दिनांक 22/12/2021 को जोहिला क्षेत्र के महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे के द्वारा मां बिरासनी की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर किया गया था, जिसका फाइनल मैच 29/12/2021 को होना था, लेकिन बारिश के चलते टूर्नामेंट बाधित हुआ और फिर एक बार फिर कोरोना की लहर को देखते हुए टूर्नामेंट को लगभग निरस्त ही कर दिया गया था। लेकिन टूर्नामेंट के लगभग सभी मैच हो चुके थे, जिसमें पहला सेमीफाइनल भी हो चुका था और इस प्रतियोगिता में सिर्फ एक सेमीफाइनल और फिर फाइनल मैच ही खेला जाना शेष रह गया था, जो कि बारिश की वजह से नहीं खेला गया था। इसको लेकर जोहिला क्षेत्र के GM हेमंत शरद पांडे के द्वारा इस प्रतियोगिता को पुनः दिनांक 16 अप्रैल को आरंभ कराया गया और 17 अप्रैल को इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। हम आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता कोल माइंस में कार्यरत लोगों के बीच में होती है, जिसमें केवल कोल माइंस में कार्यरत वर्कर ही मैच खेलते हैं और फिर इनका सिलेक्शन होता है, जिसके बाद ये कोल इंडिया और फिर उससे भी बड़े स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। हम आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक जोहिला क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक हेमंत शरद पांडे थे। इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि नथुलाल पांडे, संजीव झा, हरिद्वार सिंह, PM मनोहर, विशिष्ट अतिथि देवेंद्र निराला, संपत शुक्ला, AK पांडे जी, S प्रसाद, T धर्मराव एवं क्षेत्र से CC मेंबर उपस्थित। जोहिला एरिया इस बार अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट कंपटीशन का होस्ट था और SECL लेवल का ये कंपटीशन होता है, जिसमें 13 प्रोडक्शन एरियाज और 2 वर्कशॉप गेवरा कोरबा और SECL मुख्यालय की एक टीम रहती है। ऐसे 16 टीमों ने इसमें अपना भागीदारीता दी थी और ये टूर्नामेंट बारिश के कारण कम 2 मैचेस रह गए थे, उसका अभी यहाँ आज समापन हुआ। कल एक सेमीफाइनल मैच हुआ, आज फाइनल मैच हुआ और हम लोगों ने इस स्टेडियम में काफ़ी कोशिश की है कि ये ग्रीन स्टेडियम में चले ये मैचेस। और खासियत ये है माँ विरासिनी के स्टेडियम की कि जो टर्फ विकेट है ये SECL में सिर्फ यहीं पर है, पाली में ही है, तो ये उसी के लिए बहुत फेमस स्टेडियम है। और आपने देखा होगा कि ये पूरी टूर्नामेंट बहुत रोमांच से भरी हुई थी और आज का भी जो मैच था बहुत ही शानदार मैच हुआ, जो एक अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड्स का जो मैच होता है उस तरीके का मैच हुआ और बहुत नैरो मार्जिन से विजेता हुई गेवरा टीम और जोहिला उपविजेता रही। मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरा ये मानना है कि यही स्टेडियम को और अच्छे से डेवलप करने से एक बहुत शानदार खिलाड़ियों के लिए मैच जीत के कप्तान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि एक ट्रॉफी उसके हाथ में है, विनिंग ट्रॉफी उसके हाथ में रहती है। आज बहुत खुश हूँ कि मेरी टीम ने आज जो हम लोग इतना टाइम से ट्राई कर रहे थे वो करके दिखाया और आज हम लोग ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। हार तो रहे थे हम लोग काफ़ी नेगेटिव में थे, हम लोग को बहुत एक चमत्कारी बचा सकता था, लेकिन हम लोग काफ़ी पॉजिटिव थे। मैं एज ए कैप्टन काफ़ी पॉजिटिव था और जब मेरे को भी थोड़ा सा कुछ डर लग रहा था तो हमारे टीम मैनेजर जो इतने एक्सपीरियंस थे गौरी शंकर प्रसाद सर, उन्होंने बोला कि टेंशन मत ले, ये मैच निकाल देगा, विनीत पटेल अकेला मैच निकाल देगा। तो उन्होंने भी एकदम पॉजिटिव, हमारा पूरा डग आउट पूरा पॉजिटिव एनवायरमेंट था। हम लोगों ने प्रयास किया और निराशा हाथ में लगी, अगले बार और अच्छा मेहनत करेंगे ताकि बिना ट्रॉफी उठाएंगे। धन्यवाद।